हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि हम एक गूगल शीट के जरिए कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्क मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो ईमेल्स पे हो। कैसे हम अपने क्लाइंट्स को उनके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे विश कर सकते हैं, फेस्टिवल्स कोई भी हो, दिवाली, होली, उस पर कैसे ऑटो व्हाट्सएप जाते जाएंगे। बस हमें एक बार डेटा फीड करके रखना है, इसमें हमें बार बार कुछ नहीं करना। हम इस पे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ इमेज भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, पीडीएफ भी भेज सकते हैं, हम इसमें मल्टीपल ईमेल्स भी भेज सकते हैं। तो हमारी ये सिंगल शीट है, जिस सिंगल शीट में हमने सारे फीचर्स दिए हुए हैं, प्लस हमने इसमें ग्रुपिंग का फीचर अलग से दिया हुआ है कि हम ग्रुप्स बना के भी भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 क्लाइंट्स का डेटाबेस यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन 1000 क्लाइंटेज जो है आपकी, वो आपसे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेती है और दूसरी जो क्लाइंटेज है वो आपसे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेती है। तो जब आप प्रोडक्ट लॉन्च के भी व्हाट्सएप इसमें भेजना चाहे, जब मार्केटिंग करना चाहे, तो दोनों क्लाइंट्स को अलग अलग टारगेट कर सकते हैं। आपको अलग अलग शीट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल शीट से ही आपका वो शूट हो जाएगा। तो एक बार शीट से गो थ्रू करवाता हूं मैं आपको। ए से लेके एफ तक जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, इसमें हमें डेटा फिल करना होता है। हमारी जितनी भी क्लाइंटेज है, जो भी आपके क्लाइंट्स की नेम है या जो भी आपके रिलेटिव्स में है, उन सब के आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप और ईमेल जाएगा उनके नाम से जाएगा। तो जब भी नाम से ईमेल या व्हाट्सएप जाता है, तो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि ये व्हाट्सएप उसी के लिए ही कस्टमाइज करके भेजा गया है। तो हम यहाँ पे नाम से भेजना पसंद करते हैं। आपने क्लाइंट का यहाँ पे नंबर डाल दिया। अगर आपके पास क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके आगे के जो फील्ड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। जब व्हाट्सएप शूट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि हमने व्हाट्सएप और ईमेल भेज दिया है। इसके बाद जो हमारी शीट आती है एपीआई की, इसके अंदर हमें यहाँ पे हमारी एपीआई की डालनी होती है। तो जैसे हम मैसेज ऑटो सेंटर की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी एपीआई डाल देते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया हुआ है कि मेरे जो मैसेजेज है वो किस टाइम फ्रेम में शूट होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो क्लाइंट है उनको रात को 12-1 बजे मेरा व्हाट्सअप जाए, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम दे दिया। तो मेरे जो भी मैसेजेस शूट होंगे वो 10 से सुबह 10 बजे जाने शुरू होंगे और रात को 8:40 तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे और मॉर्निंग 10 से पहले नहीं जाएंगे। तो हमने यहीं पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हम इसमें ट्रिगर लगा रहे हैं वो 10 मिनट का ट्रिगर लगाते हैं, हर 10 मिनट में मैसेज जाते हैं। और मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि मेरे 10 मिनट में 20 से मैसेज ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। आप इसको 50 भी कर सकते हैं, आप इसको 100 भी कर सकते हैं, और आप इसको 10 भी कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन हमने क्यों दी हुई है कि 10 मिनट में 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप ना जाए या 10 मिनट में 20 से ज़्यादा व्हाट्सएप ना जाए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में व्हाट्सएप भेजते हैं तो देयर इज चांसेस कि आपका जो व्हाट्सएप है वो ब्लॉक हो जाए। तो उसको ब्लॉकेज से बचाने के लिए हमने इसमें इस तरीके से डाला हुआ है। सेकेंड फीचर हमने इसमें क्या डाला हुआ है ब्लॉक से बचाने के लिए, कि हर व्हाट्सएप के बीच में, दो व्हाट्सएप के बीच में आप इसमें गैप डाल सकते हैं सेकेंड्स का। तो अगर आप यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो उसका मतलब 1 सेकेंड का गैप होता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। 5000 लिखेंगे तो दो व्हाट्सएप के बीच में 5 सेकंड्स का टाइमर लग जाएगा, दूसरा व्हाट्सएप जो है वो 5 सेकंड के बाद शूट होगा। तो मैंने यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, मतलब मैं हर व्हाट्सएप के बीच में 2 सेकंड का गैप चाहता हूँ। अब हम आते हैं अपने ईमेल कंटेंट पे। यहाँ पे हमें ईमेल लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जब डेटा डाला था, तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसका क्या फीचर है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया आपके अगर 2 क्लाइंटेज हैं, आपने सारा डेटा यहाँ पे डाला हुआ है, पर आप एक क्लाइंटेज को एक व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, और दूसरे क्लाइंटेज को दूसरे प्रोडक्ट की ईमेल भेजना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 में ये डेटा डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन ईमेल डाली हुई है, और मैंने यहाँ पे 4 जुलाई की डेट डाली हुई है। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन ईमेल है, ये सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को जाएगी जो मैंने ग्रुप 1 टारगेट किए हुए हैं। तो अगर मैं डेटा में आता हूँ, तो जो मैंने यहाँ पे क्लाइंट्स टारगेट किए हुए हैं ग्रुप 1 के, तो ये सिर्फ इन्हीं को ही ईमेल जाएगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन उनके आगे ईमेल आईडी पड़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और ईमेल आईडी डाल दूँ, अब ये मेल इस आईडी पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप 2 को हाईलाइट करता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे व्हाट्सएप कंटेंट डालना है। हम यहाँ से मल्टीपल ग्रुप्स अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप 2 किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, और मैंने इसकी डेट डाल दी सपोज आज की, तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज आज शूट हो जाए, तो 10 से लेके उसके बीच में ये शूट होगा। अब मैंने जैसे ग्रुप 2 डाल दिया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे डाल दिया फेस्टिवल, और मैंने इसकी भी डेट सपोज चेकिंग के लिए मैंने सपोज करिए आज की डाल दी, तो ग्रुप 2 पे ये वाला मैसेज जाएगा खाली। अब इसमें मैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ इमेज भी चली जाए, तो मैं एक बार अपनी ड्राइव पे जाता हूँ, सपोज करिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। हमें इमेज की सेटिंग रखनी है, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन व्यू दिस, और यहाँ से लिंक को कॉपी करना है, और मैंने सपोज यहाँ पे
लिंक डाल दिया। अब मैं जो भी यहां पे लिखूंगा विद करली ब्रैकेट्स, अगर मैं करली ब्रैकेट्स में से नेम लिखूंगा तो पर्सनलाइज मैसेज बन के जाएगा, नेम यहां से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैसेज कैसे शूट होंगे। इसमें टाइमर लगाया होता है हमने 10 मिनट का, लेकिन मैं अभी आपको सेंड करके दिखाता हूं मैन्युअली। अब यहां पे ये मैंने ईमेल पे क्लिक किया, तो ग्रुप मैंने ईमेल कंटेंट में क्या डाला था, 4th of July और ग्रुप 1। तो जब मैं डेटा पे जाऊंगा तो इन दो ईमेल्स को मेल चली जाएगी क्योंकि ये ग्रुप 1 की है। तो अगर आप राइट में आके देखेंगे तो यहां पे टाइम आ जाएगा लिखा हुआ जब हमने ईमेल भेज दी है। तो हमें यहां से पता लग जाता है कितनों पे ईमेल्स गई हैं और कितनों पे नहीं गई। ऐसे ही अब मुझे व्हाट्सएप भेजना है, सपोज अगर तो मुझे खाली टेक्स्ट मैसेज भेजना तो मैं ये वाला दबाऊंगा, ये वाला मैसेज जाएगा, और दूसरा भेजना तो ये वाला इमेज वाला भेजना तो ये चला जाएगा। मैं फर्दर डेटा पे आया, मैंने यहाँ पे सेंड पे आके व्हाट्सएप टेक्स्ट दबाया तो जो ग्रुप 1 पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ग्रुप 1 को, वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली यहाँ से शूट हो जाएगा। तो ये देखिए रनिंग स्क्रिप्ट हो रही है, जब शूट होगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इन सबको व्हाट्सएप चला गया है। तो मैं एक बार व्हाट्सएप खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पास व्हाट्सएप आ गया जो मैंने भेजा था, जो मेरा वहाँ पे लिखा हुआ था। तो इस तरीके से व्हाट्सएप मेरे शूट होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मैंने व्हाट्सएप भेज दिया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे आके स्टोर हो गया है। क्योंकि मैंने इस नंबर पे मैं व्हाट्सएप भेजा था आपने, राइट। तो अब जैसे आप देख रहे हैं ग्रुप 2 पे व्हाट्सएप नहीं गया क्योंकि मैंने ग्रुप 2 पे यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ था, ग्रुप 2 पे मैंने कौन सा व्हाट्सएप लिखा हुआ है ये वाला। तो अब आप सपोज करिए मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया तो वो अब ये देखेगा कि ग्रुप 2 में कौन कौन से नंबर्स एडेड है और फिर उन पे व्हाट्सएप भेजेगा और किसी पे नहीं भेजेगा। तो मैं इसमें नंबर वाला ऐड कर देता हूँ जो मैंने अभी लिंक किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये रेड हो जाता है अगर एक ही नंबर आप दो बार ऐड करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए। मैंने यहाँ पे आके व्हाट्सएप इमेज पे क्लिक किया, अब ये सिर्फ ग्रुप 2 पे ये वाली इमेज भेजेगा जो हमने यहाँ पे डाली हुई है और कोई इमेज नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे टाइम आ गया, मतलब ये सेंड हो गया। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए ये मेरे पास इमेज आ गई जो मैंने ऐड करी थी और नीचे जो भी मैंने मैसेज डाला था वो मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने नेम लिखा था लेकिन वो अंकुर चेंज होकर यहाँ पे ऐड हो गया। तो सामने वाले को लगता है कि मैसेज कस्टमाइज करके उसके लिए सेंड किया गया है। ऐसे अब हम ईमेल देखते हैं जो हमने ईमेल भेजी थी। मैं यहाँ सेंड में जा रहा हूँ तो आप यहाँ सेंड में देख सकते हैं, देखिए मेल आ गई है। जब मैंने यहाँ मेल पे क्लिक किया तो ये ईमेल हमारी शूट हो गई थी। तो जितने भी ईमेल्स आईडी हमने ऐड किए हुए थे उन सब पे ईमेल हमारी चली गई। तो आप देख रहे हैं फिर से जो हमने नेम लिखा था ईमेल में, तो ईमेल भी हमारी कस्टमाइज होके शूट होती है। तो ये एक सिंगल शीट है, इस शीट से आप पीडीएफ भी भेज सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने आगे कलर किया हुआ है, तो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे डालना है और वीडियो का कंटेंट यहाँ पे डालना है तो वीडियो के साथ चला जाएगा। ऐसे ही आप पीडीएफ का यहाँ पे डालेंगे तो पीडीएफ के साथ चला जाएगा। सेम वे अगर आप एनिवर्सरी का या बर्थडे का मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने आगे ऑप्शंस बनाए हुए हैं। सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे आप डाल दीजिए, इमेज भी भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए और वीडियो भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको वो वैसे शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे हम ये चेक करते हैं, मेरे पास बर्थडे और एनिवर्सरी के मैसेज भी आ गए क्योंकि हमने यही वाला टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ था। तो आप इस शीट को देख सकते हैं, इसमें आपको एक ही शीट के अंदर मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। थैंक यू सर, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।